हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और उस सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना। बट क्या आप जानते हैं कि ब्लड के अलावा भी एक और फ्लूइड है जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है? यस, तो क्या है वो, यही जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो वो फ्लूइड है लिम्फ, और इस लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। अब इसे टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं, ये आज के सेशन में हम जान लेंगे। तो दोस्तों, सेशन बिगिन करने के पहले एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि आज के इस क्लास में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि लिम्फ क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे कि ये लिम्फ किस तरह से फॉर्म होता है, फिर हम उसके कंपोजिशन की तरफ आएंगे, एंड फाइनली हम लिम्फैटिक सिस्टम के फंक्शन के कुछ बारे में जान लेंगे। तो अब ये जो लिम्फ है, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह एक लिम्फैटिक सिस्टम के थ्रू फ्लो करता है। तो उसी लिम्फैटिक सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं, हम वही जान लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना सेशन बिगिन करते हैं। तो द लिम्फ, ये एक फ्लूइड है, और ये फ्लूइड हमें कहाँ से डेराइव करते हैं? तो ये जो फ्लूइड है वो ब्लड प्लाज्मा से डेराइव होता है। बट अगर हम इसको ब्लड प्लाज्मा से कंपेयर करें तो ये ब्लड प्लाज्मा से ज़्यादा क्लियर और वाटरी होता है, यानी कि इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा कम होता है, वो थोड़ा कम विस्कस होता है। तो अगर हम हमारे ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें तो हमें उसके दो मेन कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक है हिमेटोक्रिट और दूसरा है प्लाज्मा। तो हिमेटोक्रिट में बेसिकली RBCs होते हैं, और जो प्लाज्मा है, जो कि एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, उसमें सारे वाटर, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा, ये सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लिम्फ है वो इसी प्लाज्मा से डिराइव होता है। तो अब ये जो लिम्फ है वो कैसे मिलता है? ये लिम्फ बेसिकली कैपिलरीज से सीप आउट होता है। जो ब्लड कैपिलरी के वॉल्स होते हैं उसमें से वो सीप आउट होके बाहर का जो टिश्यू स्पेस होता है उसको ये लिम्फ फिल कर देता है। एंड ये मैंने जैसे कि अभी मेंशन किया कि वो टिश्यू स्पेस में रिलीज हो जाता है, एंड हेंस इसको इंटरस्टिशियल या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो लिम्फ को इसीलिए टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो अब आते हैं हम इसके फॉर्मेशन की तरफ। जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया कि लिम्फ प्लाज्मा से डिराइव होता है, यानी कि वो प्लाज्मा से फॉर्म होता है। तो कैसे होता है? बेसिकली जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है हमारे ब्लड कैपिलरीज में से, तो जो वाटर और बाकी छोटे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कुछ आयन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब जब हमारे कैपिलरीज से सीप आउट हो जाते हैं या फिर कैपिलरी के वॉल से बाहर निकल के आते हैं और वहाँ के आसपास के टिश्यू स्पेस को फिल कर देते हैं, तो हमें वो लिम्फ मिलता है। एंड जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि लार्ज प्रोटीन्स हो गए, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि सेल या फिर सेल सब्सटेंसेस, जैसे RBCs, WBCs, एट्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो रहते हैं, ये हमारे ब्लड कैपिलरी के अंदर ही रह जाते हैं। तो बाकी जो फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है वो हमारा लिम्फ कंसिस्ट करता है। तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से ये लिम्फ फॉर्म होता है। तो अगर हम अपना टिश्यू स्पेस कंसिडर करें जिसमें से एक कैपिलरी फ्लो हो रहा हो, तो उस कैपिलरी में से अगर छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स और बाकी छोटे छोटे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आयन्स या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स, ये जब बाहर आ जाते हैं या फिर कैपिलरी स्पेस से बाहर आते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये जिस फ्लूइड कंसिस्टेंसी में बाहर आके इस टिश्यू स्पेस को फिल कर देता है, तो वो फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। तो इसी तरह लिम्फ फॉर्म होता है। अब हमने लिम्फ के फॉर्मेशन के बारे में देख लिया, तो अब आते हैं हम इसके कंपोजिशन की तरफ। यस, मैंने आपको कहा कि लिम्फ हमारे ब्लड प्लाज्मा से डिराइव होता है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर जो कंपोजिशन है या फिर जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा से काफी मिलता जुलता है। तो यस, इसका जो कंपोजिशन है, इसके जो कंपोनेंट्स है वो है वाटर,
फिर आयंस, फिर कुछ प्रोटीन्स जैसे कि एंटीबॉडी प्रोटीन्स हो गए, कोएगुलेशन फैक्टर्स या फिर एल्ब्यूमिन, फिर आते हैं डिसॉल्व्ड गैसेस, फिर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स एंड फाइनली लिम्फोसाइट्स। तो ये सारे होते हैं हमारे लिम्फ के कंपोनेंट्स। वेल, अब हमने लिम्फ के कंपोनेंट्स, उसका फॉर्मेशन, ये सब देख लिया, तो अब हम बढ़ते हैं लिम्फैटिक सिस्टम के फंक्शन के बारे में। तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि सिमिलरली जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक वैसे ही एक लिम्फैटिक सिस्टम भी होता है जो हमारे पूरे बॉडी में लिम्फ को सर्कुलेट करता है। तो लिम्फ, ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है एंड इसको सर्कुलेट करने के लिए जो सिस्टम है उसे ही हम लिम्फैटिक सिस्टम कहते हैं। और ये लिम्फैटिक सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन उनमें से ये है कि वो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे जो ब्लड में डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं उनको फिल्टर आउट कर देता है, तो इसीलिए भी ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। फिर ये WBCs को मैन्युफैक्चर करता है, तो WBCs जैसे कि अपने न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एक्सेट्रा जो हो गए, इनको ये लिम्फैटिक सिस्टम मैन्युफैक्चर करता है। एंड फाइनली, सिंस ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को भी ऑल ओवर दी बॉडी सर्कुलेट कर देता है। तो दोस्तों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम एक क्विक सा रिकैप कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले देख लिया था कि लिम्फ, जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड भी जिसे कहते हैं, वो ब्लड प्लाज्मा से डिराइव होता है, बट इसका जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा वाटरी है और ये ज़्यादा क्लियर सॉल्यूशन है अगर हम इसको ब्लड प्लाज्मा से कंपेयर करें तो। फिर हमने ये देखा था कि किस तरह से लिम्फ फॉर्म होता है। तो लिम्फ तब फॉर्म होता है जब कैपिलरी से फ्लो होते हुए ब्लड में से वाटर या फिर छोटे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल के आ जाते हैं और टिश्यू स्पेस को फिल कर देते हैं, तो उसी को हम लिम्फ कहते हैं। सो यस, फिर हमने लिम्फ के कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया था। तो लिम्फ का कंपोजिशन था वाटर, आयंस, कुछ प्रोटीन्स, फिर डिसॉल्व्ड गैसेस, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स WBCs के पार्ट होते हैं। एंड फाइनली, हमने लिम्फैटिक सिस्टम के फंक्शन के बारे में जान लिया था। तो लिम्फैटिक सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले तो वो WBCs मैन्युफैक्चर करते हैं, दूसरी बात वो हमारे बॉडी में जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं उनको फिल्टर आउट करते हैं या फिर उन्हें रिमूव करते हैं। और सिंस ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे बॉडी में। तो दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में कुछ देख लेंगे। उम्मीद है आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।